गुड मॉर्निंग। अब नेक्स्ट इस सीरीज़ में हम अध्ययन करेंगे कि लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है उसमें कौन कौन सी थ्योरी हमको पढ़नी है। तो हमने उसको कुछ प्रमुख भागों में जो बांटा है वो है, पहले तो है कॉग्निटिव थ्योरी, जैसे ब्रूनर और पियाजे का आपको पढ़ना है। तो कैसे कितना शब्द सीखता है, किस प्रकार से सीखता है बालक, वो आपने सारी लैंग्वेज थ्योरीज ऑफ लर्निंग में पढ़ा हुआ है। वो सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिएगा जो भी मैंने पढ़ाई है। यहाँ से वैसे कोई भी थ्योरी नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाई। मैं आपको बस फिर से अवेयर कर रही हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरीज में फिर से रिवाइज करनी है। फिर है आपका इनसाइट थ्योरी, जिसमें वर्दिमर, कोहलर, कोफाय एक्सेट्रा सारे आते हैं। फिर आपके सोशल थ्योरीज जो है, जैसे बंडेरा की है, वाइगोत्स्की का भी रख सकते हैं आप इसमें, क्योंकि उनका सोशल कल्चरल थ्योरी भी था। नेक्स्ट आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट, यहाँ पे इसमें इनको प्लेटो, सोक्रेटिस, कांट, इन लोगों को पढ़ना है। फिर नेटिविस्ट, अब देखिए इसमें चोमस्की को पढ़ना है, इन्होंने इनेट थ्योरी दी थी। इनेट मतलब क्या, जो आपकी जन्मजात जो योग्यता है उसके आधारित LAD की इन्होंने बात करी थी। इस पर भी मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। फिर है बिहेवियरिस्ट, जो आपके व्यवहारवादी थे, तो उनमें वॉटसन, स्किनर एक्सेट्रा को आपको पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को रिवाइज करने के बाद आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सी थ्योरी ज़्यादा बेटर है, कौन सी थ्योरीज के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। जैसे किसी का नाम लेके पूछे तो उसी के अनुसार बताना है, नहीं तो जो बेटर है, जो ज़्यादा भाषा का अर्जन कराती है, उन थ्योरीज का अध्ययन आपको करना है।